हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर विंटर फ्लावरिंग प्लांट के बारे में देखेंगे, जिसका नाम है एलाइसम, और इसे हम स्वीट एलाइसम के नाम से भी जानते हैं। तो ये प्लांट जो है बहुत ही ज़्यादा सुंदर देखने में भी है, और इसमें हल्की हल्की सी खुशबू भी होती है, और वो भी काफ़ी अच्छी है। तो मुझे लगता है जो भी विंटर्स का प्लांट लगाते हैं उनके गार्डन में ये प्लांट ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इसको लगाना भी काफ़ी इजी है, और इसकी जो केयर है ताकि हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा फूल पा सकें वो भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसको हम लगा कैसे सकते हैं, हम इसको ग्रो कैसे करेंगे। तो अक्टूबर के लास्ट वीक में या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में हम इसके सीड्स को लगा देते हैं, और सीड्स बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से हमें लगा देना है। किसी भी तरीके की मिट्टी में हम लगा सकते हैं, और या फिर जो है हम जिस गमले में हमको लगाना है उसी गमले में हम लगा सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते होंगे कि मैंने ये एक बोनसाई का, मेरे पास ये गमला खाली पड़ा हुआ था, मैंने इसी में लगा दिया है, और अभी जो है ये पूरे बंच के तरह जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, और इसके जो फ्लावर्स है वो भी बंच में आते हैं। जैसे कि ये एक प्लांट है तो इसके एक बंच में पूरा फ्लावर आया हुआ है, तो इस तरीके से भी इसमें फ्लावर आते रहते हैं। और इसमें आपको कई कलर देखने के लिए मिल जाएंगे। मेरे पास जो है वाइट कलर है, इसमें पिंक, पर्पल और भी दो तीन कलर आते हैं, तो वो भी आप लगा सकते हैं। और अगर आप सारे कलर्स को एक साथ लगाएंगे तो वो भी काफ़ी दिखने में जो है अच्छा लगता है। और एक बार जब हम इसके सीड्स को ग्रो कर देते हैं और ये जब हम प्लांट हो जाते हैं, तब आप दूसरे गमले में भी शिफ्ट कर सकते हैं। और इसे जब आपको ज़्यादा फ्लावरिंग पानी है तो क्या हम करेंगे, यहाँ पे जैसे कि ये एक फ्लावर जैसे निकल रहा है, तो इसके बंच अभी बहुत छोटा सा है, तो इसे हम क्या करेंगे कि इसे हल्का सा ऐसे पिंच कर देंगे, इस तरीके से हम इसको हटा देंगे। क्या होगा कि इसमें जो है यहाँ से दो ब्रांच निकलेंगे और जो है हमें ज़्यादा फ्लावरिंग मिलेगी। और अभी जो आप इसमें फ्लावर्स देख रहे हैं वो अभी शुरू हुआ है इसमें फ्लावर्स आना, और एक टाइम आता है जब इसमें पूरे फ्लावर्स ही फ्लावर्स हो जाते हैं, और इसमें जो आपको लीव्स दिखाई दे रहे हैं वो लीव्स भी आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगे। और इसे हमें जो सनलाइट की अगर इसके लिए बात करें तो इसको हमें फुल सनलाइट में हम इसे रख सकते हैं, जितना इसमें धूप इसमें मिलेगी इस प्लांट को उतनी ही इसमें जो है फ्लावरिंग अच्छी होती है। हाँ, पार्शियल सनलाइट में भी हम इसे रख सकते हैं, अगर आपके यहाँ पे उतनी धूप नहीं आती है तो इसे 2 से 3 घंटे की धूप वाली जगह पे भी रख सकते हैं। ऐसे अगर इसे 5 घंटे की धूप भी मिलेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद इसके लिए वाटरिंग के लिए बात करें तो इसकी मिट्टी जो है हमेशा ही जो है मॉइस्ट होनी चाहिए, और ज़्यादा चिपचिपी नहीं होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा मिट्टी जो हमेशा गीली रहे, बस हल्की सी जो मिट्टी में होती है मॉइस्चर बना रहना चाहिए। और इसकी मिट्टी को सूखने ना दे, इसकी मिट्टी को अगर हम सूखने देते हैं तो प्लांट जो है हमारा बहुत जल्दी जो है सूख जाता है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। और फर्टिलाइज़र के लिए इसमें महीने में हम 1 या 2 चम्मच इसमें कोई भी कंपोस्ट डाल सकते हैं, और हर 10 दिन या 15 दिन पर इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र का हमें यूज़ करना है। लिक्विड फर्टिलाइज़र हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र हो या फिर जो है काउडन का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मस्टर्ड केक का जो है विंटर वाले जितने फ्लावरिंग प्लांट है, मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छा है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं, और इसमें जो है हैवी फ्लावरिंग होगी और काफ़ी ज़्यादा ये सुंदर दिखने वाला एक प्लांट है। और दोस्तों, इस प्लांट को अगर आपके पास कम जगह है, अगर आप ज़्यादा गमले नहीं रखना चाहते हैं, तो जैसे अगर आपके पास कोई बड़ा गमला है और उसमें कोई परमानेंट प्लांट लगे हुए हैं और उसके जो साइड में स्पेस रहती है उसमें भी आप इसके छोटे छोटे से जो अगर प्लांट लगा देते हैं तो वहाँ पर भी जो है ये बहुत ही अच्छे तरीके से जो है फ्लावरिंग करता है। तो आने वाले टाइम में मैं वो आपको करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से हम परमानेंट प्लांट्स में साइड्स में जो है विंटर वाले छोटे छोटे प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।